नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। लाखेरी उपखंड के इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर नगर पालिका इंद्रगढ़ में प्रदर्शन कर अधिशाषी अधिकारी हेमेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि इंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24 कोविड स्वास्थ्य सहायक 25 सितंबर 2021 से कार्यरत है, तब से आज तक का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। कोविड सहायकों का कहना है कि 4 माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। कोविड सहायकों ने जल्द वेतन की समस्या के समाधान की मांग की है। संवाददाता विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज जो आपने नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा है, वो किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है? कोविड स्वास्थ्य सहायक है, जिसमें CHA की मांग ये है कि पेमेंट अभी तक नहीं आया है। 3-4 महीने हो चुके हैं और 2 महीने का पेमेंट ये दे रहे हैं। बाहर से बिलोंग करते हैं। कंडीशन ये है कि पेमेंट किसी के पास नहीं है, तो आने जाने में और यहाँ पर रहने में सब में तकलीफ आ रही है। लगभग कोविड सहायक के कितने लोग हो आप? हम यहाँ पे 24 हैं। 24 हो, हाँ। तो अभी किसी का भी वेतन नहीं है? किसी का भी पेमेंट नहीं है अभी। तो आज जो आपने ज्ञापन दिया, तो यहाँ से क्या जवाब मिला आपको? यहाँ से आश्वासन नहीं अभी तक तो कि आ जाएगा, बाकी अभी कोई कंफर्मेशन ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हाँ इस दिन तक हम दे देंगे, मतलब अभी क्लियर नहीं बताया अभी। कोई क्लियर नहीं है। आज ये आपने ज्ञापन सौंपा है, वो किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है? हम वेतन के लिए ज्ञापन सौंपा, हमें 4 महीने हो गए, हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। NCHA लगे हुए हैं सर्वे में, अभी तक एक भी महीने का पेमेंट नहीं आया। नहीं, अभी हमें कोई पेमेंट नहीं दिया गया। तो अभी जो अधिशासी अधिकारी ने क्या जवाब दिया? ये 1-2 दिन के लिए बोल रहे हैं। 1-2 दिन में पूरा पेमेंट हो जाएगा? नहीं, पूरा के लिए भी नहीं बोल रहे, 2 महीने के लिए।